हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बीटा हिस्टीन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बार बार चक्कर आता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनका जो कान है उसमें बाहर की बहुत सारी आवाज़ें आती है, तो उन सब में इस टैबलेट का यूज किया जाता है जिसका नाम है बीटा हिस्टीन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में बीटा हिस्टीन टैबलेट के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इसका डोज लेना है, कितने रुपए का आएगा, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात कर ले बीटा हिस्टीन टैबलेट के बारे में। तो यह एक जेनरिक नेम है, इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं। जो सबसे फेमस ब्रांड है या सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है उसका नाम है वर्टिन। आप देखोगे वर्टिन बहुत ज़्यादा आपको हर मेडिकल पे या हर डॉक्टर के द्वारा यही टैबलेट लिखा जाता है। इसके तीन स्ट्रेंथ में पाए जाते हैं, एक 8 mg है, दूसरा 16 mg है, तीसरा 24 mg है। तीन स्ट्रेंथ में स्पेशली ये टैबलेट आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर बात करें इसके प्राइस की कि कितने रुपए का आता है, तो जो 8 mg का है वो आपको करीब करीब 200 रुपये में आएगा, 15 टैबलेट रहेगा। और जो 16 mg का है वो आपको 350 रुपये में आएगा, वो भी 15 टैबलेट आता है एक स्ट्रिप में। और जो 24 mg है वो आपको 550 के करीब मिलेगा, उसमें भी 15 टैबलेट होते हैं। तो ये तीन वैरायटी के हैं और आपको ये आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट जो डाला गया है वो काम क्या करता है। तो इसका जो मेन यूज है, ये अगर आपको किसी भी तरीके से चक्कर आ रहा है, बार बार चक्कर आ रही है, चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग जैसा मन कर रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये जो चक्कर आना है स्पेशली बहुत होता है, और जो जिनका मिडिल एज होता है 40 साल के बाद जब भी बीमार पड़ते हैं तो उनको बार बार चक्कर आना लगता है, या किसी ऑब्जेक्ट की वजह से भी चक्कर आने लगता है। बहुत सारे लोग जैसे कि कोई कार चलाता है तो उनको वो कैसे चलाएंगे, थोड़े टाइम के बाद उनको चक्कर आने लगा गया। कुछ लोगों को ड्राइविंग के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ किसी और के साथ होता है, बहुत सारे लोगों को बस में जाते हैं कहीं तो उनको चक्कर आने लगता है। तो इसी तरीके से आपको किसी भी तरीके का चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो इसका दूसरा यूज है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कान बजता है, कान में आपको बाहर से रिंग जैसी आवाज़ आती है या आवाज़ आती है किसी भी तरह की, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो स्पेशली इन दो चीज़ों में ही इसका यूज किया जाता है, चक्कर आना और कान का बजना, उसके साथ जो रिलेटेड सिम्टम है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ साइड इफेक्ट हैं इसके, जैसे कि पेट में बार बार गैस बनाना, और उसके साथ साथ आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, खुजलाहट करेगी, साथ साथ में आपका सर दुखेगा। तो ये सब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट में। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज कैसे लेना है। तो इसका जो डोज है, स्पेशली जो एडल्ट लोग हैं, जो 18 साल से अबव हैं, उनको दिन में 2 से 3 टैबलेट दे सकते हैं खाना खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम 2 टैबलेट या 3 टैबलेट। ये 8 mg का है और 16 mg का है। जो 24 mg है वो दिन में सिर्फ 2 बार ही देना रहेगा, एक सुबह एक शाम। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है, और इसको आप दे सकते हैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो इसका ड्यूरेशन जो भी डिपेंड रहता है कि आपकी कौन सी बीमारी के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में, छोटे बच्चों में, या जिनको पेट में इन्फेक्शन हुआ हो, अल्सर हुआ हो, पेट में छाले हुए हों, तो उनको बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और जिनको बहुत दिन से बहुत सारी बीमारी चल रही है, बहुत सारी दवा चल रही है, वो भी अपने से इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी बीटा हिस्टीडीन टैबलेट के बारे में। आई होप मैं समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो।